Hello, children. In the last class, we learned about terrestrial habitats. So, in this class, we are going to talk about some aquatic habitats. In the beginning of this chapter, we have learned how the fish survive in the aquatic habitat. So, today we are going to learn about the aquatic habitat in detail. So, first one is about the ocean. So, we know that ocean, ponds, lakes these are all the aquatic habitat so here we are going to discuss about ocean first we already discussed how fish are adapted to live in the sea so we know that fish is having a streamlined bodies and also it is having the gills which help them to take the oxygen dissolved in the water तो ये चीज़ हमने बोला था ये अडाप्टशन मथर्ड है जो एक फिश को एक्वाटिक हैबिटेट में सर्वाइव करने का देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वेड्स एंड ऑक्टपस विच डोनोट है स्ट्रीम लाइंड शेप वी नो दैट स्क्वेड्स और ऑक्टपस को स्ट्रीम लाइंड शेप नहीं होता है सो हाउ दे मूव इन द वॉटर सो दैट्स वाई They stay deeper in the ocean near the sea bed and catch any prey that moves towards them. So we know that the streamlined body helps the fish to easily move in the water. ये जो streamlined body shape होता है, वो fish को water में easily move करने के लिए help करते हैं। तो हमने बोला squids और octopus को streamlined body नहीं होता है। तो ऐसे तो लोग क्या करते हैं? ये लोग कहाँ स्टे करते हैं दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एकदम सी के डीप में जाकर आराम करते हैं एंड दे कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स दैम जो भी प्रेस ओके okay? जो भी प्रे उनके सामने से जाते हैं जो भी छोटे छोटे फिश उनके सामने से पास करते हैं तो उनको वो लो लोग खा लेते हैं बट वैन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीम लाइंड हमने देखा है ऑक्टोपस का जो हाथ जो होता है वो एकदम बहुत सॉफ्ट होता है बहुत फ्लैक्सीबल होता है तो जब ऑक्टोपस को पानी में मूव करने के लिए मूव करना पड़ता है सो वॉट द ऑक्टोपस डू द ऑक्टोपस उसके हाथ को क्या पीछे की ओर ऐसे करके वो स्ट्रीमलाइम्ड एक शेप में बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइम्ड पोजिशन में कर लेता है सो दिस इज हाउ दे मूव इन द वॉटर सो दैट इज़ अबाउट द स्ट्रीमलाइम्ड बॉडी नाउ वी ऑलरेडी सीन दैट दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉर््व इन वाटर हमने ये भी बोला था फिश को गिल्स होता है विच हेल्प्स दैम टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉर््व इन द वॉटर क्या सारे सी एनिमल्स को गिल्स होता है नहीं देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दे डू नाट हैव गिल्स तो डॉल्फिन्स और वेल्स को गिल्स नहीं होता है दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। जो ब्लू वेल का हेड पे एक ब्लो होल्स होते हैं नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं उसको नोस्ट्रल्स बोलते हैं वो हेड पे लोकेट होता है तो उससे उन लोग क्या करते हैं उन लोग पानी के ऊपर आके ब्रीथिंग करते हैं एयर से उन लोग ब्रीथ करते हैं तो आप लोगों ने ये देखे होंगे कि पानी के ऊपर से ऐसे ब्लू वेल ऐसे जाते हुए आप लोग देखे होंगे मतलब उसका सर पूरा वो पानी के ऊपर नहीं लेकर आता बस मुंह अंदर डाल के ऐसे जाते होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द ब्लो होल्स ऑन द हेड उनके सर पे उनका नॉस्ट्रल्स है सो थ्रू दैट दे ब्रीथ इन एयर सो दिस अलाउ दम टू ब्रीथ इन एयर वेन दे स्विम नियर द सर्फस ऑफ द वॉटर दे कैन स्टे इन साइड द वॉटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग बिना सांस लिए भी वेल्स को पानी के अंदर बहुत देर तक लोग स्टे कर सकते हैं एंड दे कम आउट टू द सर्फर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर तो उन लोग बीच बीच में पानी के सर्फर्स में आते हैं टू टेक द ब्रीथ एंड यू हैव सीन दैट डोल्फिन इन द टेलीविजन प्रोग्राम्स आप लोगों ने टी वी चैनल्स में कोई फिल्मस में नहीं तो कुछ सीरीज uh, जो होता है उधर आप लोगों ने देखा होगा द डॉल्फिन का बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोगों ने देखे होंगे हम लोग पानी के ऊपर आके डांसिंग करना ये सब आप लोगों ने देखे होंगे बिकॉज द डॉल्फिन ऑल्सो टेक ब्रीथ इन एयर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर एक्वेटिक हैबिटैट्स दैट आर पॉन्स एंड लेक्स सो हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्स लेक्स रिवर्स एंड इवन सम्रेनस आप लोगों ने देखे होंगे पॉन्स में लेक्स में बहुत सारे प्लान्स ग्रो करते हैं है ना सो हैव यू ऑब्सर्व द लीव्स स्टेम्स एंड द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स इन प्लान्ट लीव स्टेम्स वो सब आप लोगों ने ऑब्सर्व किया है डिड यू एवर ऑब्सर्व द्लांस दैर ग्रोइंग इन वाटर So now we are going to talk about the what are all the differences between the plants that are growing in the aquatic habitat from the terrestrial habitat In this figure you can see that some aquatic plants float on water some have their roots fixed in the soil at the bottom and some aquatic plants are submerged in water

ऐसे है तो वॉट अबाउट द रूट्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स हमें पता है एक्वाटिक प्लांट्स मतलब उन लोग वैसे ही पानी में ही रह रहे हैं तो ऐसे हो तो वहाँ का रूट्स का फंक्शन क्या होगा हाअवर इन एक्वाटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लान इन प्लेस तो मेन फंक्शन क्या है रूट्स का उनका मेन फंक्शन ये होता है वो प्लान को पानी में फिक्स करने के लिए बिकॉज वी नो दैट दे आर गेटिंग वाटर एंड एवरी थिंग फ्राम इट्स एक्वाटिक हैबिटेट इट्स सेल्फ तो ऐसे है तो रूट को जाके पानी लेकर आने की जरूरत नहीं है वॉटर अबाउट द स्टेम एंड द लीफ ऑफ दिस एक्वाटिक प्लान द स्टेम ऑफ दिस प्लान्स आर लॉन्ग होलो एंड लाइट आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर लोटस को लोटस लौ, फ्लावर को कोई भी हाथ में पकड़ा हो तो आप लोग देखे होंगे उसका जो स्टेम होता है वो बहुत लॉन्ग होता है एंड इट इज़ होलो होता है एंड बहुत लाइट होता है एंड द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लास फ्लोट ऑन द सर्फस ऑफ द वाटर तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जो स्टेम होता है जो एक्वाटिक प्लांट्स का स्टेम हो पानी तक ही उसका ग्रोथ होता है और पानी के ऊपर फ्लास एंड लेस सब कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं तो ये सब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है सो वॉट वी ऑब्जर्व अबाउट द एक्वाटिक प्लांट्स द रूट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट इज़ यूज टू होल्ड द द प्लेस एंड द स्टेम ऑफ द इज लॉन्ग एंड होलो एंड लाइट एंड द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फस ऑफ द वॉटर but the leaves and the flowers float on the surface of the water some aquatic plants are submerged in water हमने ये भी देखा है कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जो होता है वो पानी के अंदर ही रहता है मतलब उसका जो लीफ पानी के ऊपर फ्लोट नहीं होता है पूरा अंदर ही रहता है सो दैट मींस ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर सो सम ऑफ दीज प्लान्टै नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स इनमें भी इनके लीव में भी मॉडिफिकेशंस है तो इनका लीव का खासियत क्या है जो सबमर्ज प्लांट्स होता है उनका लीव नैरो एंड थिन रिबन लाइक होता है एंड दे कैन बेंड इन द फ्लो फ्लोइंग वाटर और उनका लीव क्या होता है बेंड होता है जब पानी फ्लो करते रहते हैं ना तो उसके हिसाब से उनके लीव uh, भी बंद होता है एंड इन सम सबमर्श प्लान और कुछ सबमर्श प्लान के लीव ऐसे होते हैं लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वॉटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दम और कुछ सबमर्श प्लान का लीव कैसे होता है वो हाईली डिवाइडेड होता है डिवाइड किया हुआ होता है क्यों क्यों ऐसे हो रहा है ताकि ये जो सबमर्ज प्लांट मीन्स हमें पता है पानी के अंदर ही रहता है और पानी का जो फ्लो होता है उसके वजह से ये लीफ को डैमेज नहीं होता है जो डिविशन्स जो होता है ना जो गैप्स होता है उसके बीच में से पानी फ्लो कर लेता है सो इट विल नॉट अफेक्ट द लीफ ऑफ दैट सबमर्ज नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉग वी नो दैट फ्रॉग आर यूजली लिव इन पॉन्ड्स एंड एट द सेम टाइम

एंड दे हैव स्ट्रोंग बैक लेग दैट हेल्प दम इन लीपिंग एंड कैचिंग देर प्रे तो उन लोग कैसे सर्वाइव करते हैं उन लोग कैसे अपने प्रे को पकड़ते हैं वी नो दैट वो लीपिंग करते हैं जम्पिंग करते हैं है ना फ्रॉक तो जम्प करते हैं हमें पता है हम फ्रॉक जम्प्स गेम्स वगैरह हम लोग खेलते हैं तो हमें पता है फ्रॉक्स जम्प करते हैं तो उन लोग के बैक लेग्स जो होता है इट इज़ वेरी स्ट्रोंग दे आर हैविंग अ स्ट्रांग बैक लेग्स एंड

so we have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitat हमने तो बस बहुत ही कम दो तीन चीजों के बारे में ही हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है and you may have also noticed that very wide varieties in plants around you when you prepared a herbarium as a part of the suggested activity in chapter 7 हर्बेरियम क्या होता है आप लोगों को पता है हर्बेरियम एक रिकॉर्ड्स होता है एक लाइब्रेरी बुक जैसे होता है उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के प्लांट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करना मतलब उसको ड्राई करके हम एल्बम जैसे बनाते हैं हर्बेरियम एक एल्बम है जहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीव्स जहाँ जहाँ से हमें पता है रोज़ रोज हमें बहुत सारे न्यू न्यू टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रीचर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर करते हैं है ना सो हैरियम एक ऐसे एक बुक है जहाँ पे लीव्स के बारे में दैट इज़ प्लांट्स के बारे में पढ़ने के लिए रखते हैं और इट इज़ लाइक ए रिकॉर्ड तो पिक्चर बुक होता है ना वैसे और वहाँ पे क्या चिपकाते हैं ड्राई लीव्स को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का लीव्स को उन लोग कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्टोर करते हैं सो दैट इन फ्यूचर जब भी न्यू प्लांट्स या कुछ भी हम डिस्कवर करेंगे तो वो कौन से स्पीशीज़ में आएगा या वो न्यू है क्या उसके लीफ पैटर्न से हम पता चलता है तो इसीलिए लिए हर्बरियम स्टडी मटेरियल टाइप एक काइंड ऑफ बुक है सो दिस इज ऑल अबाउट अ फ्यू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट